जय श्री राम, भारत माता की जय। मैंने बहुत कुछ पाया, हिंदुत्व की वो शक्ति पाई, युवा शक्ति, जिसके लिए विवेकानंद जी ने सपना देखा था। और मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं जागृत हिंदू मेरे साथ में खड़े जा, आप देश के कोने कोने से आप जैसे जवान जुड़ कर रहे हैं। मैं परिचित नहीं हूँ, आपका चेहरा नहीं देखा मैंने, कभी बात नहीं की, परंतु आपके हृदय में जो बैठा हुआ भाव और मेरे हृदय में बैठा हुआ भाव, आपने जो स्वप्न देखा और मैंने भी स्वप्न देखा, वो स्वप्न हम सबका एक ही है। जय हिंदुस्तान, और हिंदुत्व जिंदा रहे, हिंदुस्तान जिंदा रहे। इस निमित्त मैं संत होते हुए भी सब कुछ राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र भक्ति को सर्वोपरि मान करके इस निमित्त आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। और मुझे आपका साथ, प्रेम, सहयोग जो मिला है, मात्र 15 दिन के अंदर यहाँ 82,000 लोगों ने दिल खोल करके अपना मतदान दिया, सहयोग दिया, उनका धन्यवाद। पूरे देश में नहीं, वर्ल्ड में बैठे हुए हिंदू भाइयों ने मुझे वो प्रेम दिया, साथ दिया। आज मेरे साथ में बहुत बड़ी एक हमारी ऊर्जा युवा शक्ति दिनेश जी राणेजा पधारे हैं। ऐसे युवा शक्ति जिनकी मैं तलाश करता था, वो फौज मुझे मिलनी चाहिए जो इसे हिंदुत्व के लिए जीने के लिए और हिंदुस्तान के जीने के लिए तैयार हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं हार करके भी जीता हूँ, क्योंकि मैंने दिलों को जीता लोगों के। मेरे दिल में वो लोग बैठे और मैं उनके दिलों में बैठ गया, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। हार हुई नहीं हमारी, हम तो जीत चुके हैं। अगली तैयारी हमें करनी है कि हमारी सेना, हमारे सैनिक और हमारे राष्ट्रभक्त लोग, जिस प्रकार देश को आजादी कराने के लिए एक बहुत बड़ी सेना की जरूरत थी, इस प्रकार इस समय भी इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारे विधान की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमें भी बहुत बड़ी सेना की जरूरत है। जगिए, उठिए, रुकिए नहीं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। जो विवेकानंद जी के शब्द थे, वो अपने हृदयंगम करके हम सबको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। सन्यासी को करना है, गृहस्थी को करना है, व्यापारी को करना है, नेता को करना है, विद्यार्थी को करना है, अधिकारी को करना, सबको एक सूत्र में बांध करके हमें हिंदुस्तान का गौरव कैसे बढ़ाएं, ये मेरा और आप सबका कर्तव्य बनता है मित्रों। इसलिए मैं बहुत खुश हूं, आज हारा मैं नहीं हूं, हारी वो लोग हैं जो राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, हारे वो है जो हमारे सिद्धांत और संस्कृति के प्रति जिनका जुड़ाव नहीं है। हम सब जीते हैं और निश्चय ही जीत हमारी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। आज तो मात्र 85,000 यहाँ के विधानसभा के लोग मेरे साथ थे, और आज मेरे साथ लाखों लाखों देश और कोने कोने लोग मेरे साथ खड़े हैं। ये सेना हमारी जो बड़ी है, मैं हारा नहीं हूँ, हिंदुत्व भी हारा नहीं है, हिंदुत्व जग चुका है। मैं तो निमित्त बना था, आप और हम सब लोग निमित्त बने हैं, और इस निमित्त का हम सौभाग्य मानते हैं कि हमें निमित्त बनाया भगवान ने इस हिंदुत्व को जगाने के लिए। बहुत बहुत मैं शुभकामना करता हूं दिनेश जी का कि आज मेरे पास आए, मुझे संबल बनाया, मुझे साथ दिया, मुझे वादा किया है कि ये सेना हर समय हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए आपके साथ खड़ी रहेगी। आइए हम सब मिलकर के उस सूक्ति को याद करें, वेद के सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम्भव मनांसी जानता, हम सभी लोग मिलकर के हिंदुस्तान के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। किसी जाति विशेष की बात नहीं है, किसी विशेष वर्ग की बात नहीं है, बात है तो राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी बात है। हमें सबसे बड़ा कोई वाद रखना है तो राष्ट्रवाद सबसे ऊपर रखना है, तभी ये हमारा हिंदुस्तान और हिंदुत्व तो सुरक्षित रहेगा। मैं पुनः आप सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे इसमें लाइव देख रहे हैं, और मैं ऐसे युवाओं की तलाश में हूँ। आइए हम सब मिलकर के एक ऐसा स्वप्न जो हमने देखा, उसको साकार करने के लिए कदम उठाएं। हम सब लोग मिलें, एक जगह बैठकर के मंथन करें और फिर अपने काम में लग जाएं। नहीं रुकना है, नहीं सोना है, नहीं थकना है, जब तक हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर लेते। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम रहेगा। गुरुजी के अनमोल वचन जो हम लोग सुन रहे थे और जो हम लोग चाह रहे थे, वही गुरुजी चाह रहे हैं। हार कहीं नहीं हुई है, हार किसी की नहीं हुई है। अगर एक विधानसभा क्षेत्र से 85,000 जागृत हिंदू जो अपनी जात पात को छोड़कर, अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर हिंदुत्व को वोट करते हैं, अगर 85,000 लोग यहां जागृत हुए हैं, तो हमें मिलजुल कर पूरे देश को जागृत करना है, हमें पूरे राष्ट्र को जागृत करना है। और ये हमें